नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे सबसे चहीते तिहाड़ी चाडूकार से, जो सरकार के जितने मर्जी जूते घिसले पर साफ ही नहीं कर पाता। तो इस क्लिप में हम देखेंगे सुधीर चौधरी का दोगलापंती। कैसे तो साहब, जब मोदी और बीजेपी सरकार किसी को फ्री राशन या सामान दे तो उनकी वाह वाही खत्म नहीं होती, और दूसरी ओर जब कोई और पार्टी ये काम करे तो उस पर कैसे सवाल खड़े किए जाते हैं कि मुफ्त की राजनीति क्यों कर रहे हैं। जो वेलफेयर योजनाएं मोदी ने चलाई हैं, जो सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा गया है, गरीब लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा गया है, जो मुफ्त के सिलेंडर बांटे गए हैं, जो मुफ्त का राशन बांटा गया है, वो सबका जो फायदा है उसने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया। और क्योंकि पैसा तो पैसा ही है, इसलिए हर जाति के लोग मोदी से जुड़ गए। स्पाइडर रॉबिन्सन की मशहूर रचना द फ्री लंच में लिखा है, इस दुनिया में फ्री लंच जैसी कुछ कोई चीज नहीं होती, यानी फ्री कुछ नहीं है। जनता को एहसास होता है कि उसे मुफ्त में कुछ मिल रहा है, लेकिन असल में ये एक माया जाल है जिसमें लोग खुशी खुशी फंसते चले जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें जो मिल रहा है वो मुफ्त है। इसलिए आप भी हमेशा याद रखिए, सिर्फ चुनाव में ही नहीं, जीवन में भी कभी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। आपको जो भी चीज मिलती है, आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। इससे पहले वर्ष 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त की चीजें साफ सुथरे चुनाव के लिए हानिकारक हैं, लेकिन हमारे देश की जो जनता है वो मानने का नाम नहीं लेती। हमारे देश की जनता को आज भी सब कुछ मुफ्त में ही चाहिए। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें ये देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। एग्जिट पोल्स के नतीजे देखकर तो साफ लगता है कि दिल्ली वाले अब भी मुफ्त के ऑफर्स देने वाली पार्टी को ही चुनना चाहते हैं, उन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर किसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दिल्ली आकर ये कह दें कि उनकी पार्टी पीटीआई भी अब दिल्ली के चुनावों में हिस्सा लेगी, और उनकी पार्टी लोगों को उनकी जितनी भी सारी ईएमआई है, घर की आपकी ईएमआई है, आपकी गाड़ी की ईएमआई है, कोई और किस्त है, वो सारी वो लोग भर देंगे, तो दिल्ली के लोग क्या इमरान खान को भी जिता देंगे? आज आपको इस पर विचार करना चाहिए। तो अगले क्लिप में हम देखेंगे बीजेपी की चार राज्यों में जीत का तो आप सबको पता ही है, पर जो अगले क्लिप में आप खुशी और चाटुकारिता की जीत है वो आपने नहीं देखी होगी। इस क्लिप में हमारे शो कॉल्ड निष्पक्ष गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी अपनी निष्पक्षता दिखाते हुए शर्त लगाती हैं और फिर कैसे सोशल मीडिया पर ट्रोल होती हैं, आप खुद ही देखें। चलो शुरू। नृपेंद्र जी हमारे साथ हैं, नाम भी लेंगे और पूरा बताएंगे भी। 2000 रुपए की शर्त हारे हैं, पूरी एक सीट के। मैंने कहा था हार जाओगे, हार गए ना, एक सीट बस। 2000 रुपए रखने सीट भी बता पार्टी करेंगे हम, हाँ पार्टी पहले सीट नहीं बताएंगे, सीट नहीं बताएंगे। 2000 रुपए हम जीत गए और इसकी आज होगी पार्टी, ये। तो हमारे पहले ट्विटर पे ट्वीट करते रोबिन कुमार लिखते हैं कि मैडम की खुशी देखकर लग रहा है कि जॉब बच गई। अरे भैया, जॉब की बात क्या कर रहे हो, खुशी से तो ये लग रहा है जैसे कपटी दूल्हे को दहेज में नई मारुति 800 मिल गई हो। ये सरकार ही इनकी है तो नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे अगले ट्वीट में अवनीश नंद्रा लिखते हैं कि मैडम इस नोट की लोकेशन बदलते रहना प्लीज, इसमें नैनो चिप लगी होती है इसलिए ट्रैक हो जाएगा। हमारा न्यूज मीडिया चाहे ही अंधा हो चुका है, पर ऐसे लोग समझते हैं कि कौन न्यूज के नाम पर सिर्फ सरकार की जूतियां पॉलिश करने में लगे हुए हैं। और हमारी सबकी चहेती रूबी का लियाकत ने तो खुलेआम अपने निष्पक्ष न्यूज एंकर का मखौटा उतार ही दिया है। वो शरेआम ये तस्वीर ट्वीट करती हुई लिखती है कि क्या 2022 का नतीजा 2024 का ट्रेलर है। अरे मोहतरमा, जब बीजेपी ने अपने पास गोदी मीडिया जैसे पालतू पाल रखे हैं और ईवीएम अपनी जेब में रखा हुआ है तो वो कैसे हार सकते हैं। अगले क्लिप्स में जो हमारे बीएनडी गुल्लू अमीश देवगन की उसी के चैनल में बेइज्जती हुई है वो देखने योग्य है। कुछ दिन पहले हमने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें गुल्लू की डिबेट के दौरान बीएनडी के नारे लगाते लोग नजर आए थे, तो इस क्लिप में तो आम लोगों ने कमाल ही कर दिया। लोग गुल्लू के चैनल पर बीएनडी और गुल्लू लिखे हुए पोस्टर लेकर पहुंच गए और गुल्लू को शर्मसार होना पड़ा। Oh,
अगले क्लिप में हम देखेंगे जब काशी में जाकर गोदी मीडिया के डी पत्रकार लोगों की बीजेपी के बारे में राय ले रहे थे और टीवी देख रहे दर्शकों को बीजेपी की ओर से मक्खन लगा रहे थे, वहीं आ पहुंचे देश के सच्चे नागरिक पंडित जी, जिन्होंने असल में वही बातें कही जो एक देश का सच्चा नागरिक सोचता है कि कैसे राजनीति में सिर्फ धर्म के नाम पर वोट डालना कभी भी देश को आगे लेकर जाने का काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं लोग जाएंगे मोदी जी की तरफ? भाई देखिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, धर्म से दूर होकर के राजनीति होना चाहिए, क्योंकि जब धर्म आएगा तो राजनीति में विवाद होगा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में रहता है, ईसाई 1% है वो नहीं खतरे में है, सिख 1% है वो नहीं खतरे में है, केवल हिंदू 80% है तो खतरे में है, केवल ये बीजेपी का प्रोपेगंडा है और इस पे केवल धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और इनसे कोई महंगाई और विकास से इनके कोई सारोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये लोग केवल उन्माद फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। दिलीप दास जी, अगले क्लिप में हम और आप सबके चहेते वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जिस अंदाज से गोदी मीडिया की पोल खोलते हैं वो देखने योग्य है। वो बताते हैं कि असल में हमारे देश को निष्पक्ष पत्रकारिता की कितनी जरूरत है, क्योंकि सरकार के पैसे पर तो आजकल हर दूसरा चैनल पल रहा है। ने इतना प्यार दिया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या करें सर, करें क्या, जो बाकी जो आपने ही टर्म दिया गोदी मीडिया और जिस दिशा में मीडिया निकल रही है, क्या किया जाए, जिस किस्म की हेडलाइंस आती हैं, क्या किया जाए उनका? उनका तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोगों को अपना काम करते रहना पड़ेगा। अगर हम जो भी यकीन करते हैं आज इस समय में, जो थोड़े बचे खुचे लोग हैं, उन सबको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और एक के बदले 11,000 होने की ज़रूरत है। टीवी ने स्वरा सचमुच बहुत नुकसान किया है। ख़ासकर मैं देख रहा था, कुछ दिनों के लिए बाहर था, कि एक एंकर अपर्णा सिंह का, जिसका नाम अर्णव गोस्वामी है, हाँ मैं ऐसे बात नहीं करता, वो उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, नाम लेके करना चाहिए, तो अपर्णा सिंह का कुछ वीडियो चल रहा है और वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं उसको करके और वो धमकी दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस राज्य से मैं आता हूँ वहाँ मैंने एक से एक बाहुबली देखे, वो कभी बंदूक चलाते थे कभी कुछ चलाते थे, लेकिन इस तरह की हरकत मैंने कभी नहीं देखी। मैंने कि ये टीवी के एक नए बाहुबली लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि उनके पास पीएमओ में एक्सेस है, होम मिनिस्टर की के यहाँ एक्सेस है, तो वो कुछ भी टीवी पे बोल सकते हैं, है ना। और चूंकि उनके पास स्क्रीन है जिसमें लाल पीला लगा के ट्रेटर फ्रेटर ये सब ट्रैक्टर और जीप ये सब लिख सकते हैं उसके बारे में, थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए ना। अगले क्लिप में हम देखेंगे कैसे रूबी की लियाकत कैसे अपने चैनल पर मेहमानों को बुलाती है, फिर उनसे भद्र व्यवहार करती है और कैसे उनसे अपनी बेइज्जती करवाती है। पहली बात तो ये है जनाब, ये गोदी एंकर खुद चाहे किसी को कुछ भी कह सकते हैं, पर जब कोई इनके ऊपर सवाल या उंगली उठाता है तो कैसे इनके पांव के नीचे आग जलने लग जाती है। अरे कल से लेकर के रूबिका जी आपने बयानबाजी नहीं देखी, हैरान हूँ मैं। निगरानी, आप जैसे पत्रकार, निगरानी, आप जैसे सुधी पत्रकार, निगरानी, जब निगरानी करने के लिए कार्यकर्ता जा रहे, कह रहे गुंडों की फोर्स जा रही है, शासन पर भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव ये होते हैं, फलाने ये होते हैं, इनका नहीं। अरे अब सुन तो लीजिए भाई, अनिल दुबे जी की तरफ क्यों भाग रही? मैं भाग नहीं रही हूँ, आप एक सेकंड भाषा की मर्यादा रखिए और तमीज के दायरे में बात कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, यहीं बैठी हूँ, यही बैठी हूँ मैं और किसी के पास भाग नहीं रही हूँ। सवाल पूछती हूँ और उतना मादा रखती हूँ कि उसका जवाब सुन लूँ। सुन लिया मैंने आपका जवाब और अब मुझे आगे जाना है। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं अपने हुंकार में किसके पास जाऊंगी और किसके पास नहीं जाऊंगी, 3 में ना 13 में। और कॉन्फिडेंस आपका ऐसा जैसे 403 की 403 सीटें जीत कर आ रहे हैं। अगले क्लिप में हम देखेंगे अखिलेश यादव जो अक्सर ही गोदी मीडिया के बीजेपी के एजेंडे की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। इस क्लिप में भी गोदी एंकर जो मोदी जी से आप बटुआ रखने जैसे सवाल करते हैं, उनकी कैसे अखिलेश यादव बोलती बंद करवा देते हैं।
नोएडा से लेके गाजीपुर तक की बात होती है। तो मैं बता रहा हूँ ना, आप शहर बताइए, मैं काम बताता हूँ। पूरे बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट आने लगा, सोलर के बड़े बड़े बिजली के इन्वेस्टमेंट हुए। आपका ललितपुर हो वहाँ पर पावर प्लांट, सब कागज पे हुए, ये सब आप रिसर्च करिए, प्रैक्टिकली हुए। आप रिसर्च करिए, ललितपुर में 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट हुआ, वहाँ पर लग गया थी अखिलेश जी, बिजली नहीं आती, बीजेपी आती थी। श्रीकांत शर्मा है प्रेजेंट सरकार, झूठ बोल सकता है अभी तक मुख्यमंत्री जी, जिसका मैं नाम लेता हूँ आप उसको बोलते हैं या वो हार जाएगा या वो झूठा है। झूठ बोलने आप कह रहे हैं श्रीकांत शर्मा झूठ बोल। अच्छा मुझसे ये बताइए, आप मेरी बात अगर गलत हो, आप जाइए रिसर्च करिए और उनसे खुद पूछिए कि उन्होंने कोयले से बिजली बनाने वाला कौन सा कारखाना लगाया, एक कारखाने का। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।